और विश्वकर्मा जी की। जैसे कि आप सबको पता है कि आज विश्वकर्मा डे है। यहाँ इस दिन जो विश्वकर्मा सभा सुजानपुर है, ये सबसे पहले नगर कीर्तन करती है, जिसमें 4 बजे हमारे सारे मेंबर हैं वो उठ के पूरे नगर का नगर में कीर्तन करते हैं। उसके बाद हमारा 11 बजे के आसपास हमारा जो है हवन यज्ञ था। उसके बाद हमारी साधना सत्संग था 12 बजे से ले 1 बजे तक। 1 बजे हमने अपना लंगर शुरू कर दिया। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में ये जो पर्व है विश्वकर्मा डे है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि जो साउथर्न इंडिया, वहाँ पे जो 17 सितंबर है वो वहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और विश्वकर्मा सभा सुजानपुर का हमेशा ये राय रही है कि पूरे विश्व में शांति हो, चारों दिशाओं में शांति हो। और विश्वकर्मा सभा सुजानपुर अभी 2 देशों के जो युद्ध चल रहे हैं उसमें नरसंहार हो रहा है। विश्वकर्मा सभा सुजानपुर का ये है कि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद हो, और जो लोगों का नरसंहार हो रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद हो। बाकी विश्वकर्मा सभा सुजानपुर की तरफ से पूरे विश्व को, पूरे सुजानपुर को, पूरे पंजाब को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को विश्वकर्मा दिवस पर बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ धन्यवाद। जय बाबा विश्वकर्मा जी की, बाबा विश्वकर्मा जी की, बाबा विश्वकर्मा जी की, बाबा विश्वकर्मा जी की जय। जिदा कि सारे लोग जानते हैं कि अज विश्वकर्मा डे है, तो विश्वकर्मा सभा सुजानपुर विश्वकर्मा डे बड़ी धूमधाम नाल मनाती है। हर साल पहला हवन, उस तो बाद भंडारा किया जाता है, तो सारे मैंबर जिहड़े है वो बड़ी अच्छी तरह बाबा विश्वकर्मा जी का दिन जो है वो मनाते हैं। असी जिस तरह की काफ़ी देर तो विश्वकर्मा सभा ये डे मनाती है, ये सारे मैंबर बड़े हुम हम आ के जी सेवा करते हैं, और बाबा जी का दिन जरा वो मनाते आ गए। मैं सभा के सारे मैंबर इस दिन से, बाबा जी के जन्मदिन से, बाबा जी के डे से बहुत बहुत मुबारकबाद दिना, तो सारे लोगों, सारे संसार में मेरे वालों जोड़ा वो बाबा जी के डे से सारे बहुत बहुत बधाई। तो नाल ही मैं जिहड़े सभा के मैंबर है जो ये काम कर रहे हैं इन्हों भी बहुत बहुत बधाई देना। जय बाबा विश्वकर्मा। पहले तो पूरे विश्व को भगवान विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। भगवान विश्वकर्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा सारे सृष्टि की रक्षा करें, सबको सुख शांति प्रदान करें। कहते हैं कि पुराणों में लिखा गया है कि भगवान विश्वकर्मा जिस टाइम समुद्र मंथन हो रहा था उस टाइम 14 रत्न निकले थे, जिसमें से कामधेन गाय हो गई, विश्वकर्मा हो गए, पालकुटी विष हो गए, 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, तो उसी में से विश्वकर्मा की भी उत्पत्ति हुई थी। तो आज के दिन एक विश्वकर्मा का जन्मदिन आता है 17 सितंबर को, तो आज विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। तो हमारे सुजानपुर में विश्वकर्मा मंदिर में बड़ी धूमधाम से आज विश्वकर्मा बर्थडे मनाया जा रहा है, जिसमें हवन किया गया, उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, और 1 बजे के बाद लंगर का वितरण किया जा रहा है। तो मेरा सारे भक्तजनों से ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वकर्मा मंदिर में आएँ, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद ग्रहण करें। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।